हरे कृष्णा। आज हम आपको एलईडी बल्ब का इस तरह का कान्हा जी की पोशाक के लिए बेस बनाना बताएंगे। ये पोशाक उनको पहनाई नहीं जाती है, उनकी जो ड्रेस होती है उसके नीचे इस बेस को लगाया जाता है ताकि जो उनकी ड्रेस है वो एक अलग लाइटिंग दे। ये जो हमने मोती वाली ड्रेस बनाई थी, जब हम उसको इस बेस के ऊपर रखते हैं तो इसकी गेटअप ही अलग आ जाती है। ये स्पेशली हमने इसी ड्रेस के लिए बनाया था। अगर आप चाहें तो इस बेस को किसी और ड्रेस के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। ये हर ड्रेस के साथ कंबाइन करने में बहुत सुंदर, एक ड्रेस को भी अलग लुक दे देता है, कान्हा जी को भी एक बहुत अलग लुक दे देता है। किसी भी नेट की नॉर्मल ड्रेस को ये बहुत अलग लुक दे देती है। आज हम देखेंगे कि इस बेस को हम किस तरह से बना सकते हैं। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए ये मैंने बेस के लिए इस तरह की ग्लिटर शीट ली है। ये हमारी फॉर्म ग्लिटर शीट होती है, स्टेशनरी की दुकान पे बहुत इजीली मिलती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो बेस बुकरम का या किसी कपड़े का भी बना सकते हैं, बट अगर हम कपड़े का बेस बनाते हैं तो वो फॉर्म नहीं रहता, नीचे हमें जो थोड़ी सी थिकनेस चाहिए होती है वो कपड़े में नहीं आती है, इसलिए हम बुकरम का बनाएंगे या इस तरह की फॉर्म का। ये ग्लिटर शीट है तो शाइनिंग अच्छी देती है, इसलिए मैं इनका यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये लेने के बाद जो भी आपका फेवरेट कलर हो उसके साथ आप इसको वर्क कर सकते हैं। मैं ब्लैक के ऊपर बना रही हूँ। अब ये देखिए मैं ब्लैक लिया है क्योंकि मैं बेसिकली अपना ये मोती ड्रेस के लिए बना रही हूँ, तो ये मोती ब्लैक के ऊपर बहुत खिलकर आएगा, ठीक है। अब ब्लैक के ऊपर मैंने लिया। इसके बाद जो मेरी ड्रेस है उसके साथ मैं बेस के लिए कुछ ले रही हूँ गोलाई का, कोई आप ढक्कन ले सकते हैं, कोई प्लेट ले सकते हैं, कुछ भी। ये मुझे लेनी है जो मेरी ड्रेस की साइज है उससे थोड़ा छोटा, क्योंकि ये मेरा नीचे का बेस है, ये इसे छोटा होना चाहिए, इसे बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़े में तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसे मैंने थोड़ा सा छोटा लिया है। देखिए थोड़ा सा छोटा है ये। अब ये बेस मैंने ले लिया। अब जो शीट मैंने डिसाइड की है उसके ऊपर मैं इसको रखूंगी। ये साइड से मेरा थोड़ा सा छोटा है, बट मैं इसी के ऊपर वर्क कर रही हूँ। अब इसको इस तरह से रखकर मैं पेंसिल से मार्क कर लूंगी। ये मेरा परफेक्ट सर्कल नहीं आएगा क्योंकि शीट जरा सी छोटी है, बट उतना मेरा चल जाएगा क्योंकि इसको मुझे किसी भी ड्रेस के नीचे लगाना है। ये देखिए ये इस तरह से परफेक्ट सर्कल नहीं है बट ये चल जाएगा। अब इसको मैं कट कर लूँगी कैंची लेके। अब मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखिए ये मैंने काट लिया है। ये मेरा परफेक्ट सर्कल नहीं बना है, यहाँ से थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, बट उतना कोई बात नहीं क्योंकि मैं बेस के लिए बना रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी शीट है तो आप परफेक्ट सर्कल में बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसको इस तरह से हाफ करूंगी, हाफ करके एक हाफ और करूंगी। ये हाफ करके एक हाफ और कर लिया, ये मेरा इस तरह का आ गया, ठीक है। अब इससे मुझे एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। सेंटर पॉइंट मिलने के बाद अभी मैं बैक साइड लूंगी, कोई भी एक सर्कल लूंगी छोटी चीज, और इसको यहाँ बेस से एक इनर सर्कल और बना दूँ, एक इनर सर्कल और मार्क कर दूँ क्योंकि मुझे ये अंदर का सर्कल भी बनाना है। एक इनर सर्कल बना लिया। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी। कटिंग मैं फोल्ड के बाद ही करूंगी ताकि मेरा परफेक्ट सर्कल बने। अब इसके बाद मैं इसकी कट कट अब इसको मैंने कट कर लिया है। कट करके जब मैं खोलूंगी तो ये मेरा इस तरह से आएगा, ठीक है। अब मैं अपनी ड्रेस को देखूंगी कि सर्कल मुझे और बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए। ये मेरा ऑलमोस्ट ठीक है। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा बड़ा सर्कल रख सकते हैं। ये सर्कल करने के बाद अब मैं एक तरफ से इसको काट दूंगी क्योंकि ये मुझे फ्रंट से ओपन चाहिए। जब मैं कान्हा जी को अपनी ड्रेस कोई भी मैंने पहना रखी है और मुझे उसमें लाइटिंग देनी है, तब मैं इस तरह से कान्हा जी के चारों तरफ इसको लगा दूंगी, तो ये मेरा एक परफेक्ट सर्कल आ जाएगा। थोड़ा सा अंदर का सर्कल हम बड़ा रखेंगे ताकि उनको पहनाने में दिक्कत ना हो और वो लाइटिंग अच्छी लगे। मैंने तैयार कर लिया है, अंदर का सर्कल मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है ताकि वो पहनाने में इजी होगा। अब इसके ऊपर ये देखिए मार्केट के अंदर बहुत इजीली अवेलेबल होती है, इसको बोलते हैं एलईडी टेप। ये इसके अंदर बल्ब नहीं है, ये एलईडी टेप है और इसके अंदर यहाँ पे ये टू साइड टेप लगी होती है, तो इसको हटा के हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये मैं लूंगी। इसके साथ
हमें लेना होता है एक अडेप्टर, ये इस तरह का अडेप्टर आता है जो बिजली से चलेगा। ये देखिए इसके ये दो वायरिंग, जो ये दो वायरिंग होते हैं ये यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ये रेड के साथ रेड और ब्लैक के साथ ब्लैक, इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं। और इसको हम एक्सटेंशन बोर्ड के साथ लगा के इस लाइट को चालू कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है तो आप इस तरह की बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये चार वाली बैटरी है, इसके यहाँ से टेप कट के ये इसी तरह रेड और ब्लैक के अंदर इसको कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इससे भी चल सकता है। इसको चार्जिंग के लिए फिर आपको देखना होता है कि आप अपने बिजली वाले को कॉन्टैक्ट करो, इलेक्ट्रिशियन आपको बताएगा कि क्या बेस्ट है कि हम चार्जिंग वाली यूज़ कर सकें। अदरवाइज इन बैटरी के साथ ये ड्रेस ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, ठीक है। तो मैं इसी अडेप्टर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे मंदिर में जहाँ हमारा पूजा घर है वहाँ बहुत जगह है कि हम एक्सटेंशन बोर्ड रख सकें, तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अब इस टेप को अब देखिए, ये जो LED टेप है इसको मैं इस बेस के ऊपर लगाऊंगी ताकि जब इस बेस को मैं ड्रेस के नीचे लगाऊं तो वो एक अलग शाइनिंग दे। इसको लगाने के लिए अब देखिए, ये जो हमारा है ये थोड़ा सख्त होता है, थोड़ा हार्ड खड़ा हुआ, तो इसको मैं गुलाई में नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि जब मैं इसको गुलाई में लगाऊंगी, ये देखिए ये इस तरह से उठा हुआ आएगा, ये बैठ नहीं सकता है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, अगर मैं इसको इस तरह से zigzag लेने में लेना चाहूँ तो इसके अंदर पतली वायर्स होती है जो टूटने का डर रहता है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, पीस यहाँ आगे का मैं छोड़ दूँगी क्योंकि ये मेरा जॉइन करने के लिए मुझे चाहिए होगा, ठीक है। मैं बिल्कुल ड्रेस के साथ से नहीं शुरू करूँगी। अब इसके बाद इसको मैं यहाँ पे जो बिल्कुल बिल्कुल कॉर्नर है वहाँ से स्टार्ट करूँगी। अब इसके बाद इसको मैं इधर इस तरह से पीछे ले जाऊँगी, वायर को इस तरह से पीछे ले जाऊंगी, फिर इस तरह गोल घुमा के आगे ले आऊंगी। तो इस तरह ये मेरी स्ट्रिप्स बनती जाएंगी, मतलब कहने का है कि इसके चारों तरफ मैं इस तरह गोल गोल घुमा लूंगी, ये देखिए इस तरह, तो ये गोलाई में घूम भी जाएगी और बहुत अच्छी भी लगेगी। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये तो रहती है कि जब मैं इसको जलाऊंगी तो पीछे भी जलेगी, बट ये लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है क्योंकि इससे हमारी बहुत आराम से लग जाती है, ठीक है। इसमें डबल गेटअप आएगा और एक ही वायर के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। इसमें चिपकाने, अब चिपकाने के लिए अगर आप चाहें तो इस तरह फेवी बॉन्ड या फेवी क्विक या टेप कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसको अब मैं सारे को इस तरह से सर्कल पे घुमा के यहीं पे अपने सेकेंड हैंड के ऊपर वापस ला के पूरा वापस ले आऊंगी, सेकेंड हैंड के ऊपर ही मैं इसको वापस ले आऊँ। ये देखिए इक्वल गैप्स रखते हुए इसको हम इस तरह से लगा लेंगे, ये आगे पीछे पूरी तरह घुमा के लगाए तो इसको लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए इस तरह का सर्कल बन रहा है, ऊपर का बिल्कुल हमने बराबर लिया है और नीचे से एक एक करके लाइन आती जाएगी। अब मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी, ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया है घेरा, इस तरह से आया है इक्वल साइड के साथ, ये दोनों तरफ से इक्वल करके अब मैंने कर दिया है, आगे से इस तरह से और पीछे से भी सेम तरीके का लगेगा। ये देखिए बस फर्क इसमें आएगा कि आगे हमारा शाइनिंग का ग्लिटर है और पीछे प्लेन है। अब इसको मैं अपने अडेप्टर के साथ कनेक्ट करूंगी, ये देखिए वायर है अडेप्टर की, ये वायर है इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया है, बेटर है इलेक्ट्रिशियन से कराएं, इसको खुद ना करें। ये मेरा कंप्लीट हो गया, इसको मैंने अडेप्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये बिजली वाला है इसीलिए मैंने एक्सटेंशन बोर्ड लिया है। अगर आप चाहते हैं तो इसको जो बैटरी वाला आता है उसके साथ भी लगा सकते हैं ताकि सेल से हमारा चल सके। अब मैं इसको ऑन करूंगी तो ये हमारी लुक आएगी, तो हमारी फाइनल लुक आएगी। अब इसके साथ जब मैं अपनी ड्रेस लगाऊंगी तो ये मेरा लुक आएगा फाइनल, ये मेरा फाइनल लुक आएगा। दूसरी पोशाक के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, ये देखिए अपनी किसी भी पोशाक के साथ जब हम इसको लगाएंगे तो ये एक अलग रूप देगा। इसको हम किसी भी अपनी ड्रेस के साथ कंबाइन कर सकते हैं, ये ड्रेस को एक अलग और डिफरेंट लुक देगा। आई होप आपको मेरा ये सजेशन अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट से सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखिएगा। आप जन्माष्टमी एंजॉय कीजिए, खूब धूमधाम से बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।